से दिखा के, ताकि जो वीडियो जो देखेगा समझ जाएगा। मान लो दूर से तो दिखाई नहीं देता, नज़दीक से ही रहेगा तो अपना बना लेगा, बना कर समझ लेगा, फिर अपना नेक्रोटाइजिंग एनईसी कहा जाता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। देखो जहां नेक्रोसिस शब्द आएगा, नेक्रोसिस का मतलब ही है सड़ना। क्या सड़ना? किसी जगह पे अगर ऑक्सीजन ना जाए, ऑक्सीजन की कमी से किसी भी अंग का सड़ना, मरेगा फिर सड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन की कमी से जो सेल डेथ होगा उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे शब्द है नेक्रोटाइजिंग, मतलब ये ऐसा एंटेरो मतलब छोटी आंत, छोटी आंत के लिए एंट्रो शब्द यूज होता है। कल भी बताए थे टाइफाइड के केस में एंट्राइटिस, और कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत, कोलोन से आया है, कोलोन बड़ी आंत को कहा जाता है। तो कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत का सूजन, और एंटेरो मतलब छोटी आंत का सूजन। तो ऐसा सूजन जो छोटी आंत और बड़ी आंत दो जगहों पे हो रहा है, एंटेरो और कोलाइटिस, एंटेराइटिस और कोलाइटिस, और इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो आंत क्या होगा, सड़ जाएगा, और सड़ के क्या होगा, पंचर हो जाएगा। तो जो आंत का मटेरियल है वो पेट में आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो इन्फेक्शन कर देगा कि नहीं। तो ये बीमारी मुख्य तौर पे ना छोटे बच्चों में पाया जाता है, बड़े लोगों में नहीं पाया जाता है। न्यूनेट का बीमारी है, मतलब एक महीना से नीचे के बच्चे के लिए बीमारी है। किस बच्चा में हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि इसको एनईसी हो सकता है? तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि प्री टर्म बच्चा जो है, मतलब जो बच्चा 34-35 सप्ताह का हो गया, 36 सप्ताह तक हो गया जन्म, और उसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का कमी रहा पैदा होने के टाइम में, ठीक है, सांस ना लिया हो, रोया ना हो, या कॉट नेक के तरफ लपेटा मार के रहा हो, तो उस स्थिति में बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कम जाता है, उस स्थिति को हम लोग एस्फिक्सिया कहते हैं। तो बच्चा प्री टर्म हो, मैंने कम टाइम का हुआ हो, और जन्म के समय में ऑक्सीजन की कमी उसके अंदर रही हो, और उसको जल्दी से फीडिंग दे दिया गया, तो भी किस चीज का, बोवाइन मिल्क का, गाय के दूध का या भैंस का दूध, पैदा होते ही तुरंत पिला दिया गया जल्दी। तो ये कंडीशन है कि इस इन बच्चों में एनईसी आपको सस्पेक्ट रखना है कि इसको एनईसी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जिनके कोई हार्ट में दिक्कत रहता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, या खून ज्यादा गाढ़ा हो जाए, किसी किसी का आरबीसी देखते हो बहुत ज्यादा रहता है, हीमोग्लोबिन 20-21-22 चला जाता है, तो वैसे बच्चे में भी ये बीमारी होने का चांस रहेगा। इन्फेक्शन हो, और इन्फेक्शन के चलते बच्चा शॉक में चला जाए, या वैसे भी शॉक में चला जाए, तब भी ये इसका रिस्क फैक्टर रहेगा कि उस बच्चे में एनईसी होने का चांसेस रहेगा। कैसे एनईसी होता, कैसे प्रोग्रेस कैसे, ये तो रिस्क फैक्टर है। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा है जो इधर से 3 नंबर बेड पे है, ये बच्चा 35 वीक का है, 35 हफ्ते का है, समय से पहले है, रिटर्न पैदा हुआ तो रोया नहीं प्रॉपर, हाइपोक्सिया, और इसको तुरंत ही लोग गाय का दूध पिला दिए, तीनों चीज है, क्या होगा उससे? हाइपोक्सिया से देखो जो आंत की दीवार है, इसमें भी तो खून की नली ऐसे सप्लाई रहती है, ये आंत की दीवार है हरा वाला मान, और रेड वाला इसका ब्लड सप्लाई है। तो एक तो प्री मैच्योरिटी की वजह से जो इसकी दीवार है वो प्रॉपर मजबूत नहीं है,
और हाइपोक्सिया की वजह से यहाँ ब्लड का सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। कम सप्लाई में जो आंत की दीवार है वो इजीली डैमेज होने वाले कंडीशन में है, मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ किया जाए तो तुरंत डैमेज हो जाएगा, समझ रहे हो। और यही होता है इसमें कि बच्चा पैदा हुआ प्रीतम बच्चा है, आंत बहुत मजबूत नहीं है, और घर के लोगों ने गाय का दूध पिला दिया उसको, और नतीजा क्या होगा कि उसकी आंत की जो दीवार है इसमें सूजन हो जाएगा। सूजन दो हिस्सों में खासकर होता है, बड़े आंत के इस हिस्से में और छोटी आंत वाले आईवीएम के हिस्से में, कभी कभी तो पूरा आंत इन्वॉल्व रहता है। तो सूजन की वजह से क्या होगा कि भाई इसमें यहाँ पे स्वेलिंग होगी और ये दीवार का मोटिलिटी क्या हो जाएगा, जो आंत की चाल है वहां पे वो कम हो जाएगी। फिर ये सब चीज उसी में कोई उठा तो उसको रेसी लॉक वगैरह चला दिया, ठीक है ना, तो इसके होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गट म्यूकोसा का इंसल्ट हुआ, यहाँ पे लोकल इंफ्लामेटरी मार्कर जैसे कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ल्यूकोपॉलीसेकेराइडेसिस, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब केमिकल मीडिएटर है जो शरीर हमारा यहाँ पे ले जाके क्या करेगा, उतार देगा फोर्स को। शरीर में तो कहीं सूजन होगा तो फोर्स उतार देगा, तो फोर्स ही सब उतरेगा तो जितना यहाँ तो कोई विदेशी है नहीं, अपना ही शरीर का टिश्यू को क्या करेगा सब और डैमेज करेगा, और नतीजा क्या होगा ऐसे बच्चों में कि ऐसा बच्चा हमारे पास जब आएगा तो उसका पेट डिस्टेंडेड रहेगा, चढ़ा हुआ होगा, और उसमें दर्द हो भी सकता है और दर्द नहीं भी हो सकता है, मतलब दबाने पे बच्चा रो भी सकता है और नहीं भी रो सकता है। टेंडरनेस कहा जाता है कि जब दबाया जाए और दबाने पे अगर दर्द हो रहा है तो छोटा बच्चा को दर्द होगा तो रोएगा, जैसे ही बच्चा रो रहा है हमारा, इस बच्चे में एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है और टेंडरनेस भी है। इसके साथ ऐसे बच्चों में आपको एरिडिमा ऑफ एब्डोमिनल वाल, मतलब जो ऊपर के पेट की दीवार है वो लाल दिखेगी, जैसे इसका परसों लाल दिख रहा था, कल दोपहर तक लाल था, कल शाम से इसका लाली खत्म हो गया, एरिडिमा खत्म हो गया, मतलब ज्यादा तनेगा तो लाली आ जाएगा दीवार पे और कम रहेगा तो लाली कम हो जाएगा। इसके साथ उल्टी कर सकता है बच्चा आपका, नॉर्मल उल्टी, हरा उल्टी, ब्लड वाला उल्टी, तीनों हो सकता है। और जब उसका इसको कहा जाता है राइस ट्यूब एस्पिरेट, जब फीडिंग ट्यूब आप उसमें से खींचिएगा तो बार बार एस्पिरेट निकल के आएगा, वो 5 ml से ज़्यादा हो, हरा हो, ब्लडी हो या दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। इसके साथ एसाइटिस मिल सकता है, मतलब पेट में पूरा पानी इकट्ठा हो सकता है, सूजन हो जाएगा तो, और आईलियस हो सकता है, आंत की चाल कम हो गई उसकी वजह से, आप पाला लगाइएगा तो बाउल साउंड आपको नहीं मिलेगा, उसको जो बाउल साउंड नहीं मिलता है उसको आईलियस कहा जाता है, उस कंडीशन को पैरालिटिक आईलियस या प्लेन आईलियस भी कहेंगे, तो वही मतलब है उसका। परसिस्टेंट लोकलाइज्ड एब्डोमिनल मास, किसी किसी बच्चे में क्या होगा कि ये जो घटना हुई वो एक ही जगह हुई, तो उस बच्चे में जहाँ पे घटना हुई है सिर्फ वही हिस्सा ऐसे टोएगा तो एक ही जगह मिलेगा, जैसे पिछले बच्चा में जो हम लोग गोरखपुर रेफर किए उस बच्चा में इस हिस्से में यहाँ पे एक लोकलाइज्ड मास मिलता था, हमेशा टाइट यहाँ पे रहता था, वो बाद में जब उसका दूध वूध पीने लगा प्रॉपर हो गया तो खत्म हो गया पहले से, तो इस तरीके से मिल सकता है। लैटरिंग भी लाल हो सकता है, ब्लड इज टू हो सकता है, ब्लड लैटरिंग में जा सकता है, जाहिर बात है यहाँ पे भाई डैमेज है तो यहाँ से ब्लड इज लैटरिंग जाएगा आगे, तो ब्लड इज टू हो सकता है। इसके साथ साथ और भी लक्षण उसमें मिल सकता है, रिफ्यूजल टू फीड, बच्चा दूध नहीं पिएगा, पुअर फीडिंग, पिएगा भी तो कम पिएगा या बिल्कुल नहीं मानेगा, सुस्त हो जाएगा, सांस रोक सकता है, सांस की रफ्तार तेज हो सकती है, शॉक में जा सकता है बच्चा, सीआरटी बढ़ा हुआ मिल सकता है, बीपी कम मिल सकता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिल सकता है, ब्रेडी और टैकी कार्डिया मिल सकता है, ठीक है। शॉक में इनिशियल शॉक का शुरुआती कंडीशन होगा तो बच्चा टैकीकार्डिया में होगा, और शॉक जब आगे बढ़ेगा तो बच्चा ब्रैडीकार्डिया में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। इस बच्चा में एक और कंडीशन था, ये तीनों तो कंडीशन था ही, साथ ही साथ बच्चा दो दिन तक लगातार झटका आ रहा था और उसकी वजह से बच्चा हाइपोवॉल्मिक शॉक में भी था, बच्चा के शरीर में पानी क्या हो गया, फीडिंग ले ही नहीं रहा था दो दिन से, हाइपोवॉल्मिक शॉक वाले कंडीशन में बच्चा चला गया।
तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इस देखो यहाँ शॉक लिखा है ना, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इस कंडीशन को और क्या करेगा, बढ़ाएगा। और शॉक में था तो हम लोग उसी दौरान क्रिएटिनिन कराए तो उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ आया। क्यों? वॉल्यूम कम है। मान लो कि 3 किलो का बच्चा हुआ तो उसके शरीर में 210 ml वॉल्यूम होना चाहिए, 3×7=21, 210 ml वॉल्यूम होना चाहिए। 2 दिन से डिहाइड्रेशन की वजह से मान लीजिए 180 ml ही वॉल्यूम रहा इसका, तो तब 210 ml में जितना क्रिएटिनिन होगा 180 ml में वही प्रोटीन गाढ़ा हो जाएगा जी, तो इसलिए भी क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ा हुआ आ सकता है। या हो सकता है कि गुर्दा थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हो, क्रिएटिनिन को बाहर ना निकाल पा रहा हो पूरा तरीके से, इसलिए भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखा रहा हो। उसके बाद जब लैब इन्वेस्टिगेशन में जाइएगा, ब्लड रिपोर्ट में 3 चीज आपको मिलेगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा। क्यों भाई? यहाँ पर प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर गया था, उतरा था ना फोर्स के साथ, तो वो सारा प्लेटलेट को पकड़ पकड़ के यहाँ क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। इसको रिपेयर करने के लिए प्लेटलेट को क्या करेगा, सारा प्लेटलेट यही खर्च कर देगा। तो ब्लड में आपको प्लेटलेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इस बच्चे में प्लेटलेट कम है, 1,11,000 के आसपास है प्लेटलेट। साथ में मेटाबोलिक एसिडोसिस मिलेगा। अगर एबीजी आपके पास होगा मशीन का, आप एबीजी में मेटाबोलिक एसिडोसिस दे सकते हैं। ऐसे क्लिनिकली देखा जाए तो बच्चे का सांस का रफ्तार क्या होगा, तेज मिल सकता है आपको। और सोडियम क्या होगा, कम मिलेगा, वो भी रिफ्रैक्टरी टाइप का होगा। रिफ्रैक्टरी तब कहा जाता है कि मैंने एक बार सोडियम कम हुआ, आप ठीक किए फिर कम हो गया, फिर ठीक किए फिर कम हो गया, मतलब बार बार सोडियम उस बच्चे का क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको रिफ्रैक्टरी हाइपोनेट्रीमिया कहा जाएगा। तो ये 3 चीज याद रखना होता है, डिक्रीज प्लेटलेट, मेटाबोलिक एसिडोसिस और रिफ्रैक्टरी हाइपोनेट्रीमिया। ये 3 कंडीशन अगर ब्लड में मिल रहा है आपको तो आप, और साथ में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप एनईसी के बारे में सस्पिशन कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं कि उसको बच्चा एनईसी में जा रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्सरे अगर ऐसे बच्चों का कराइएगा तो एक्सरे में एक कंडीशन होता है न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस। हम दिखाएंगे एक्सरे, मेरे पास मोबाइल में है, कि एक्सरे में जो आंत की दीवार होती है ना उसमें गोल गोल हवा का गोला दिखेगा, बबल दिखेगा, ठीक ना। वो डायग्नोस्टिक होता है, कंफर्म होता है कि इसको एनईसी डेवलप कर गया है। अब इस कंडीशन का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, डीडी कहा जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब और कौन कौन सी बीमारी है जो इस बीमारी की तरफ प्रेजेंट कर सकती है। तो अगर बच्चे को निमोनिया हो तब भी इस तरीके से बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सेप्सिस तब भी इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं, फीडिंग इंटॉलरेंस हो सकता है प्लेन, सर्जिकल एब्डोमिनल कैटास्ट्रोफ, कई बार क्या होता है आंत चिपक गया, आंत के अंदर आंत घुस गया, उसमें भी लक्षण इस जैसा मिलता जुलता आ सकता है। कोई इन्फेक्शन, इसमें जनरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी लक्षण उसका एनईसी की तरह आ सकता है, या सिर्फ प्लेन एलर्जिक एंट्रोक्लाइटिस हो, गाय और दूध पिया केवल एलर्जी की वजह से सूजन हो गया, तो भी ऐसा लक्षण बच्चे में आ सकता है। मतलब इन बीमारियों में ऐसा ही लक्षण सेम आ सकता है। वो आपको एज डॉक्टर है तो आप डिफ्रेंशिएट करिएगा कि ये क्यों नहीं है, क्यों ये है, तो जिसका ज़्यादा लक्षण मिलेगा वो है, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर आया जाए तो देखो, बच्चे को सांस का प्रॉब्लम है तो उसको सांस का सपोर्ट दीजिए, उसका हार्ट बीपी वगैरह अगर शॉक में है बच्चा तो फ्लूट दीजिए, बीपी बढ़ाने के लिए डोपामिन डोबोटामिन चलाइए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है तो एसिडोसिस करेक्शन कीजिए सोडा बाइकार्ब दे के, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए पीटजो आप अकेले चला सकते हैं, या एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिन के साथ एमिकासिन का कॉम्बिनेशन आप 14 दिन तक इसको चलने दे सकते हैं। साथ में अगर गुर्दा में प्रॉब्लम है तो गुर्दा से रिलेटेड उसका उपाय कीजिए, ठीक है। कोई झटका वटका आ रहा है तो झटका भी उसका सही कीजिए, और उसके साथ उसको फीडिंग के लिए आपको फ्लूड देना है, और लंबा टाइम तक अगर बच्चा आपका दूध पीने में सक्षम नहीं हो पा रहा है तो फ्लूड के अलावा पेरेंटल न्यूट्रिशन आता है, पैकेट आता है 2200 रुपये का खाने के जगह पे, तो वो चढ़ता है नर्सेस, TPN कहा जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इतना आप करेंगे और आप वेट करेंगे कब तक, जब तक एक्सरे में ये बीमारी कंफर्म ना हो जाती है। मतलब एक्सरे फाइंडिंग अगर ये आ गया निमेटोसिस इंटेस्टिनाइलिस तो आपको उसको सर्जन का ओपिनियन करा लेना चाहिए। सर्जन उसको कई बार अगर 48 घंटे में वो चीज़ इम्प्रूव नहीं कर रहा है
तो पेट खोल के जहाँ पे सड़न है उसको निकाल देगा, नहीं तो क्या होगा कि सड़न पूरा आंत लेकर डैमेज कर देगा, तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इस तरीके से ये बीमारी है NEC, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। सवाल ये है कि जब तक आप जानिएगा नहीं इसके बारे में तब तक इसको सस्पेक्ट नहीं कीजिएगा। जैसे ही इसका प्लेटलेट कम आया, पेट फुला हो, तो हम तुरंत से मुनाफ से कह के अरे लग रहा है NEC में जा रहा है, क्योंकि प्रीटर्म भाई है, हाइपोक्सिया इसको हुआ ही है, हैं, और ये लोग गाय का भैंस का दूध पिलाए हुए हैं। तो एक और कंडीशन क्या है, इसको ढकेल दिया NEC के तरफ से, झटका इसका रुक गया, जो हम लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था इसमें तो झटका तो रुक गया, रेनल प्रॉब्लम भी था, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, लैसिक्स लगाया हम लोग, क्रिएटिनिन भी क्लियर हो गया होगा, 45 का क्लियर हो रहा है। CVS में BP वगैरह इसका ठीक है, मेटाबॉलिक में कोई एसिडोसिस वगैरह इसका नहीं है, इसका सांस का रफ्तार नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में हल्का ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है इस बच्चे को अभी में। तो कुल मिला जुला के हम अभी जो फोकस है इसके एंटीबायोटिक वाले पोर्शन पे, हालांकि इसका CRP नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं, चूँकि आँत में रुकावट है ना जी, तो जहाँ भी एक नियम जान लो कि कहीं अगर ब्लड कहीं भी शरीर में किसी भी फ्लो में किसी भी प्रवाह में रुकावट होगा तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। कहीं भी जो चीज बह रहा है वो रुकेगा तो इन्फेक्शन होगा। लोग ऐसे देहात में भी कहते हैं कि नाला बह रहा है रुकल तो हमें गंदगी, वही ना शरीर पर, कि अगर इसका प्रवाह ब्लड का फ्लो हो, आंत का फ्लो हो, बाइल का फ्लो हो, CSF का फ्लो हो, कुछ भी रुकेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम लोग ये एंटीबायोटिक इसको दे रहे हैं और ऑब्जर्वेशन में रखे हैं नील पर और लीकर। मुंह से बंद रखना बहुत ही जरूरी है, अगर मुंह से आप दीजिएगा तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। नीम पर ओरली हमने रख रखा है और एंटीबायोटिक दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट चल रहा है, हम वेट एंड वॉच के कंडीशन में है। कल से बच्चा हमारा आज थोड़ा सा इम्प्रूव हम लोग को लगा है, इस सेंस में कि लैटरिंग भी पास किया है और जो एरिथमा ऑफ एब्डोमिनल वाल था वो कम हुआ है, पेशाब कर रहा है बच्चा, सांस का रफ्तार बढ़ा नहीं है बच्चे में, और कल तो बिल्कुल एब्डोमिनल बॉयल साउंड नहीं था, आज थोड़ा सा बॉयल साउंड है। तो इस तरीके से ये बच्चा हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हम लोग पास ये तीसरा नंबर वाला बच्चा अभी इस कंडीशन में है, ठीक है। अब इसमें जॉन्डिस बढ़ेगा कि नहीं जी, बट नेचुरल है कि बढ़ेगा, क्योंकि आंत आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और जब आंत का चाल आगे नहीं बढ़ेगा तो आपने यही तो पढ़ा था ना, अब इनके शरीर में तो बिलरुबिन नॉर्मली बन ही रहा होगा ना, और ये बिलरुबिन यहाँ आना है, यहाँ से कंजुगेट होंगे ब्लड से, इसमें आएंगे कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन के बाद इनको बाइल के साथ यहाँ से निकलना है, निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा फिर यहीं से एक दीवार एक पोर्टल वेन जाती थी, वो पोर्टल वेन इसको